खुश्क मेवा जात के बेशुमार फवायद, सीजन आते हैं कीमतों को पर लग गए। सर्द मौसम की शिद्दत बढ़ते ही खुश्क मेवा जात की मांग में भी इजाफा हो गया। शहर के बाजारों में खुश्क मेवा जात की बहार आ गई, लेकिन साथ ही इनकी कीमतों को भी पर लग गए। सर्द मौसम में खुश्क मेवा जात कुदरत का सेहत बख्श तोहफा है, जिन्हें अपनी खुराक का हिस्सा बनाया जाए तो न सिर्फ जिस्म को फाइबर, विटामिन और मादनियात मैसर आते हैं, बल्कि ये कई बीमारियों से महफूज रखने में भी इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। सर्दी में इजाफा क्या हुआ, खुश्क मेवा जात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई में बेपनाह इजाफे की वजह से सर्दियों की सौगात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। जी, ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये सर्दियों की जान होते हैं, लेकिन चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ये अब आम आदमी की पहुंच में वैसे भी नहीं थे, लेकिन अब ये बहुत दूर हो चुके हैं। इनकी कीमतें अब तकरीबन आसमानों से बातें कर रही हैं, और मुफीद ये इतने हैं कि डॉक्टर इन्हें रिकमेंड करते हैं, लेकिन अब एक आम आदमी इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। इस साल ड्राई फ्रूट बहुत महंगा है, इसकी वजह से लोग बहुत कम खाते हैं। पिछले साल बहुत सस्ता था, अभी महंगा हो गया, पीछे से भी माल महंगा आ रहे हैं, इसकी वजह से लोग बहुत कम लेते हैं। पहले किलो लेता था, अभी पाव लेते हैं लोग। दुकानदारों का कहना है कि खुश्क मेवा जात की कीमतें ज्यादा होने की वजह से ग्राहक रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं, महंगा माल खरीद कर सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। ड्राई फ्रूट हम लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते, और इसी तरह खाली वापस चले जाते हैं। महंगाई ने तबाही कर दी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस हालत जीना मुश्किल हो गया है। ये सियासत की बात नहीं है, बस देखें जिस दुकान पे आप जाएंगे ना, जो लेंगे, जो किलो लेता था कल, आज वो छिटाकी पर भी तैयार नहीं है, क्योंकि गुजारा मुश्किल हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया ड्राई फ्रूट की क्वालिटी के मुताबिक इनके सरकारी रेट जारी करे, ताकि खुश्क मेवा जात की खरीदारी में आम आदमी को रिलीफ मिल सके। मलिक ज़िशान अब्बास, पाकिस्तान टुडे न्यूज, वाहकेंट। हमारे पास बादाम है, पिस्ता है, काजू है, गुड़ वगैरह, मूंगफली हो गया। अभी सर्दी भी है, लेकिन महंगाई ज्यादा है, इस वजह से ग्राहक कम आ रहे। जो लोग ने पहले किलो चीज लेके जाता था, अभी पाव आधा पाव लेके जाते हैं।